फ्लिकर लाइट्स फ्यूज हो गई। स्वागत करती हूँ मैं आपके चैनल रियल रिव्यू पे। तो आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं शॉपसी प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का नेम है येलो फ्लिकरिंग स्टार लाइटिंग। इसका प्राइस है 369 प्लस फ्री होम डिलीवरी थी, बट 369 प्लस सुपर कॉइन्स का भी यूज़ किया है, 10 सुपर कॉइन्स का। साइड में आप देखेंगे स्क्रीन पे, यही प्रोडक्ट मैंने परचेस किया था येलो का। इसका प्राइस मल्टी कलर में हाई है थोड़ा सा, और साथ ही दिया में जो दिया की शेप में जो लाइटिंग है वो भी थोड़ा सा प्राइस हाई है, लगभग 600 में पड़ रही है। वहीं येलो का 500 में पड़ रहा है प्राइस। और एक और शेप है जो कि है बॉल का, बॉल का शेप जो मल्टी कलर में ही अवेलेबल है, और इसका प्राइस 925 रुपीज़ था। सबसे ज़्यादा कॉस्टली यही था। चलिए अब अनबॉक्सिंग पे वापस आते हैं। अनबॉक्सिंग तो ऑलमोस्ट ओपन हो गई है और प्रोडक्ट प्रॉपरली ही आया है अच्छे से। इसको हम साइड में ये समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, कितना डिस्टेंस अवेलेबल है। कंट्रोल मोड में लगभग 8 तरीके के मोड्स अवेलेबल हैं, और साइड में आपको एक कनेक्टर मिलेगा जिससे आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टार्स अवेलेबल हैं वो 6 स्टार स्मॉल्स हैं और 6 बिग स्टार्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर जो आप कंटिन्यू कर सकते हैं सीरीज़ के लिए वो तो अभी दिखाते हैं। मैं आपको पहले ये स्टार्स देखिए, और बहुत ही प्रॉपर दिख रहा है, जिस तरीके से उसमें लग रहा था वैसे ही आया है। कुछ भी टूटा फूटा तो नहीं लग रहा है मुझको देखने में। और यहाँ पे जो प्लग अवेलेबल है वो 2 प्लग हैं, जिसमें से एक ये है और एक ये। तो इसमें तो आप जानते ही हैं कि डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और ये है सीरीज़ को एक्सटेंड करने के लिए, इस प्लग के द्वारा आप अगर अलग से कोई और लाइटिंग करना चाहते हैं तो इसी में कनेक्ट कर दें। चलिए अब बारी है टेस्ट करने की कि ये सारी लाइटिंग वर्क कर रही है कि नहीं। तो यहाँ कनेक्ट कर दिया है, लाइट बंद करना पड़ेगा तब रोशनी अच्छे से पता चलेगी कितनी लाइट आ रही है। ओके, वर्किंग तो है, सारा सही से काम कर रहा है। और यहाँ पे मोड्स मैं दिखा रही थी, मोड्स तो आप जानते ही हैं नॉर्मल सभी में सब अवेलेबल होता है। वेल, वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा करिए, क्योंकि इसमें मैं आपको यूज़ करने के बाद, दिवाली में मैंने यूज़ किया था और एक हफ्ते तक यूज़ करने के बाद, लगातार नहीं मतलब रात में ही यूज़ करते हैं ऑफकोर्स, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हुई थी ये बात करनी ज़रूरी है। तो अब तो वीडियो को बढ़ाते हुए आगे चलाते हुए बताते हैं कि जब मैंने यूज़ कर लिया और इसको हटा दिया तो क्या मुझे मिला। तो दिवाली ख़त्म हो चुकी है जैसा आप सब लोग जानते हो, मैं भी जानती हूँ। निकालने के बाद ही कुछ जली जली चीज़ें मुझे मिली, इनकी जो लाइट है वो फ्यूज़ हो गई थी। जो छोटे मैक्सिमम ये इस जो छोटे वाले स्टार्स हैं वो फ्यूज़ हो गए थे, और ये चीज़ आपको चेक कराऊंगी लाइट जला करके। इसमें मैंने कनेक्ट करवाया तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में सारी के सारे स्टार्स वर्क कर रहे थे, लेकिन बाद में सिर्फ बड़े स्टार्स ही वर्क कर रहे हैं, छोटे स्टार्स वर्क नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, छोटे स्टार की पूरी सीरीज़ ऑफ हो गई है। ये देखिए, यहाँ पे तो तार दिख रहा है, वायर अलग टूटा हुआ दिख रहा है, वायर इसका टूट गया है। तो कॉस्टली थी और ये तो बेकार निकल गया, क्योंकि इसमें देखा एक भी छोटे तार वर्क नहीं कर रहे थे, छोटे वाले स्टार्स वर्क नहीं कर रहे हैं, बर्न हो गए हैं। मुझे इसकी डैमेज ज़्यादा लगे क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 2.5 मीटर से भी कम है। दूसरी बात, ये नॉर्मल शॉर्ट डेकोरेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डबल ट्रिपल मंगा लें सीरीज़ तो आप अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, कॉस्टली भी है। साथ ही लाइट भी इसकी फ्यूज़ हो गई। ऑफलाइन प्राइस इसका पता किया था तो इसका प्राइस 300 लगभग था, इस हिसाब से ये कॉस्टली पड़ी है। ओवरऑल मैं इस प्रोडक्ट को 5 out of 2 star ही देना पसंद करूँगी। थैंक यू सो मच, आपने मेरी शॉर्ट्स वीडियो को बहुत सराहा है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।